हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये कहानी वन नाइट स्टैंड एंड सीक्रेट बेबी के ऊपर है, तो आई होप आपको लास्ट ड्रामे की तरह बहुत पसंद आने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में ड्रामे की फीमेल लीड, इसका नाम है याओ, वो अपने लीवर पेन के टाइम पे होती है, उसका बेबी हो रहा होता है और इस टाइम पर वो याद कर रही थी उसका किसी रैंडम इंसान के साथ नाइट स्टैंड हो गया था। उसके बाद वो प्रेगनेंट हो गई थी, लेकिन उसे आज तक ये नहीं पता कि वो बंदा कौन है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो याओ थी वो बहुत ज़्यादा तड़प रही होती है। उसकी बहन उसके पास आती है और वो बोलती है पहले कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले तो बड़ी स्वीट बन रही होती है और उसके बाद वो बाहर जाती है। बाहर जाने के बाद वो डॉक्टर को पता नहीं क्या बोलती है और उसके बाद वो फिर से अंदर आती है जब उसका बेबी हो चुका था, और वो बोलती कि हम तुम्हारे बेबी को नहीं बचा पाए, मुझे माफ़ कर देना। या वो बोल रही थी मुझे मेरा बेबी लौटा दो प्लीज़। वो बोलती है कि तुम्हारी किस्मत में यही था, मुझे लगा था तुम किसी रैंडम ऑयल मैन के साथ प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो तो प्रेसिडेंट लू होगा और मैं तुम्हें प्रेसिडेंट लू की वाइफ बनने कैसे दे सकती हूँ। मैं ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगी, इसलिए मैंने डिसाइड किया है अब वो बेबी मेरा है और मैं प्रेसिडेंट लू की वाइफ बन के जाऊँगी। ऐसा वो बोल के मुझे मन मन में बहुत खुश हो रही होती है और अपनी बहन को बोलती है कि अब तुम मरो या जिंदा रहो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम यही डिजर्व करती हो। और उसके बाद उसे वहाँ से लिया जाता है और हमें ये दिखाया जाता है जो याओ की सिस्टर होती है वो याओ के फ्रेंड को ये बोल देती है कि उसका जो बेबी था वो तो मर गया। और उसके बाद हमें और कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, ऑलमोस्ट 8 से 9 साल हो चुका था और हमारा प्रेसिडेंट लू अपना एक बेबी होता है उसके साथ कहीं से वापस आ रहा होता है, जहाँ पर वो एक छोटी सी लड़की के साथ टकरा जाता है। इसका नाम है टैंग टैंग और टैंग टैंग उनको सॉरी बोलती है लू को और बोलते हैं कि अंकल मैंने देखा नहीं। और उसके बाद वो बोलता है कोई बात नहीं बेटा देख के चला करो। और तभी जो टैंग टैंग थे वो बोलते हैं कि अंकल आप तो बहुत हैंडसम हो, आपको देख के तो मुझे लग रहा है आप मेरे पापा हो। इसने के बाद लू हंसता है और बोलता है कि बेटा आप ऐसे रहा चलते किसी को भी पापा नहीं बोल सकते। ये सुनने के बाद टैंग टैंग बोलती कि नहीं नहीं पापा आप सच्ची में मेरे पापा हो, आप बहुत हैंडसम हो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं आपको मम्मा से मिलाती हूँ। ऐसा वो बोलते हैं। ये बोलने तक जो लू का बेटा होता है वो भी उसे देखता है और बोलता है कि पापा मुझे नीचे रखो। और उसके बाद जब लू अपने बेटे को नीचे रखता है तो वो टैंग टैंग को बोलता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर बनोगी। वो बोलती है हाँ मैं तुम्हारी सिस्टर जरूर बनूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारे पापा जैसे पापा चाहिए, ऐसा वो बोले होती है। और दोनों बच्चे बोलते हैं कि हमें साथ में खेलना है और लू बोलता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारी आंटी को लेके आता हूँ, तुम लोग यहाँ पर कुछ वक्त तक खेलो कहीं और मत जाना। ऐसा बोल के अपने लोगों को वहाँ पर रोकने के लिए बोलता है और लू वहाँ से किसी को लेने के लिए जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो हमारी हीरोइन यानी कि याओ आज ही वापस चाइना आई हुई थी और इसका वही कुछ फॉर्मेलिटी रह गया था एयरपोर्ट में, तो वो करने गई थी जहाँ पर उसकी बेटी यानी कि टैंग टैंग शायद लू और याओ की बेटी है, तो वो वहाँ पर रह गई थी। और वो आके अपनी बेटी को बोलती कि बेटा आप किसके साथ खेल रहे हो। और इतनी क्यूट सी लड़की देखने के बाद जो हमारे लू का बेटा होता है वो आता है, उसे ऐसे गले लगाता है, बोलता कि मम्मा मम्मा। सुनने के बाद जो हमारी बंदी थी वो तो शौक में वो बोलते हैं कि बेटा मैं आपकी मम्मा नहीं हूँ। वो बोलता है कि नहीं आप मेरी मम्मा हो क्योंकि ये मेरी बहन है, इसने मेरे पापा को पापा बोल दिया तो आप मेरी मम्मा नहीं हुई। ऐसे के बाद जो हमारी याओ थी वो शौक में वो बोलती है अपनी बेटी को कि बेबी ऐसा नहीं करते, किसी रैंडम राह चलते इंसान को पापा नहीं बोलते, मैंने कितनी बार समझाया है। ये सुनने के बाद जो टैंग टैंग होती है वो बोलती है कि नहीं मम्मा सच्ची में मुझे पापा मिले थे और हमारे पापा बहुत हैंडसम है, बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत अच्छा लगा पापा से बात करके, ऐसा वो बोलती है। ये सुनने के बाद जो याओ थी वो तो समझ नहीं पा रही थी क्या बोलना है। और उसके बाद वो बोलते कि बेटा ऐसे रैंडमली नहीं चलते, कोई आपको ले जा सकता है। तभी जो लू का बेटा जिसका नाम जियान होता है वो बोला था नहीं मम्मा कुछ नहीं होगा मुझे आपके साथ रहना है, आप इतनी स्वीट हो इतनी क्यूट हो, ऐसा वो बोल रहा होता है। तभी जून जो याओ का फ्रेंड होता है वो बोलता है कि बेटा आपकी मम्मी नहीं है ये आंटी, ये आंटी है, ये टैंग टैंग की मम्मा है, आपकी मम्मा कोई और होगी, आप बताओ आपकी मम्मा कहाँ पर, मैं आपको वहाँ तक ले चलता हूँ। ये सुनने के बाद जो जियान था वो बोलता है कि मम्मा ये आपके नए हस्बैंड है क्या। और उसके बाद वो बोलता है कि आपके नए हस्बैंड मुझे आपके साथ रहने के लिए अलाउ करेंगे। ये सुनने के बाद जो
हमारा जून और याओ दोनों ही शौक में वो बोलते कि इन दोनों को बताना बेकार है, और वो जो याओ थी वो बोलते कि रहने तो ये नहीं समझेंगे। और उसके बाद वो बोलता है कि एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई स्टाफ होगा उनको ऐसे दे देते हैं इस बेबी को, बाद में इसके पेरेंट आगे ले जाएंगे। और तभी वहाँ पर आता है लूलू, जियान को आवाज़ लगाता है, और जब हमारी याओ दू की तरफ देखती है तो उसे देखते रह जाती है। और उसके बाद जो हमारी बंदी यानी कि टैंग टैंग बोलती है कि मम्मा मैंने बोला था ना कितने हैंडसम है मेरे पापा, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद जो याओ थी वो अपनी बेटी के मुंह को बंद करवाती है, और उसके बाद वो को बोलती कि आई एम सो सॉरी, आपको तो पता ही है छोटे बच्चे कुछ भी बोलते थे कुछ सोचे समझे बगैर। और मेरी बेटी का एक प्रॉब्लम है, जब भी कोई हैंडसम सा बंदा दिखती है तो उसको पापा बोलना स्टार्ट करती है, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद जो उल्लू था वो बोलता है कोई बात नहीं, और उसके बाद वो बोलता है चलो बेटा। तभी जो टैंग टैंग थी उसके सामने जी ने बोला था कि मुझे अपनी बहन के साथ रहना है, मुझे मम्मा के साथ रहना है, मैं घर नहीं जाने वाला, वो बैड वूमन मुझे ऐसे मारती है, मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। ये सुनने के बाद जो हमारी याओ थी वो शॉक में, और उसके बाद जो हमारा लू होता है वो बोला होता है कि प्लीज़ ऐसी हरकतें मत करो, इट्स नॉट गुड। तभी वो बोला था नहीं मुझे मम्मी के साथ रहना है, मम्मी के साथ। और इवन यहाँ पर टैंग टैंग होती है वो भी ये बोले जा रही थी कि क्या हम जियान को हमारे साथ नहीं रह सकते क्या। ऐसे होने की बात या अपनी बेटी को समझाती कि बेटा ऐसा नहीं करते, किसी के बेबी को इस तरह से रखना इलीगल है, आप नहीं समझ रहे हो बात को, ऐसा बोल के अपनी बेटी को समझा रही होती है। और उसके बाद जो क्या होती अपने मन में ऐसे सोच रही थी कि पता नहीं इस बच्चे के साथ क्या अटैचमेंट है, पहली बार देख रही है लेकिन इसके लिए मुझे बुरा लग रहा है जब इस तरह से बात कर रहा है, और जब ये इस तरह से अपना आपन दिखा रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये मेरा बेबी है, ऐसा वो सोच रही होती है। और उसके बाद जो लू था वो जियान को लेकर वहाँ से चला जाता है, और टैंग टैंग को लेकर जून और याओ निकलते हैं। बाहर आने के बाद जो जून था वो बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरे घर पे नहीं रह सकते क्या। ये सुनने के बाद याओ बोलती है नहीं तुम्हें पता है ये प्रॉपर नहीं है। सुनने के बाद जो जून था वो बोल रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। ये सुनने के बाद याओ बोलती कि नहीं मुझे इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता, प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो, मैं तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। टैंग टैंग का हक बनता है, उसे ये पता चले कि उसके पापा कौन है, और मुझे 5 साल पहले जो हुआ था उसके बारे में पता लगाना है, 5 साल पहले नहीं 8 साल पहले, ऐसा वो बोलती है। सुनने के बाद जून बोला था मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ जो भी हुआ है। ये सुनने के बाद जो याओ थी वो बोलती है कि पर मेरी बेटी का पापा कौन है, मेरी बेटी के पापा कहाँ पर रहते हैं, वो सब कुछ जानना मेरी मजबूरी है और मुझे ये सब जानना ही पड़ेगा अपनी बेटी के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, बोल के वो वहाँ से अपनी बेटी को लेके निकलती है। अब हमें दिखाया जाता है घर पे जो हमारी बंदी याओ की सिस्टर होती है वो डांट लगा रही थी टैंग जो जियान होता है उसे, ये बोलते हैं कि तुम इतनी रिस्पॉन्सिबल हो, तुम कहाँ पर गए थे, तुम्हारी वजह से मुझे लू डांट रहा था, तुम्हारी वजह से मेरे इमेज लू के नज़र में बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सुनने के बाद जो जियान था वो बोला था कि आप मेरी मम्मी नहीं हो और आप यहाँ पर मत आया करो, वो उसे ऐसे पीटने लगती है, ये बोलते हैं कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, और वो लिटरली उसे पीट रही होती है। जियान वहाँ से जैसे तैसे अपने आप को छुड़ा के भाग जाता है, और जो ए बंदी थी ये सोच रही थी कि इसको किसी भी कीमत पे मुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा वरना लू के बेर तक मेरा कभी भी रास्ता नहीं मिलेगा। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो लू होता है वो ऐसे नीचे आता है जहाँ पर उसे ये पता चला था कोई नई एप्लीकेंट आई हुई है यहाँ पर काम करने के लिए, बहुत बड़ी डिजाइनर है। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है एक कोई और नहीं हमारी याओ थी, और उसका सीवी देखने के बाद वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बहुत इंप्रेस होती है। और उसके बाद ये दिखाया जाता है जो बेबी होता है वो तो भागते हुए आ गया था याओ के पास, याओ उस बेबी को देखती है बोलती कि बेटा आप यहाँ पर क्या करिए फिर से। और तभी जो जियान था वो बोलता है मम्मी मैं आपके पास रहने वाला हूँ, वो बैड वूमेन मुझे मारती है, उन्होंने मुझे मारा, मुझे उनके साथ नहीं रहना। ऐसे सुनने के बाद जो याओ थी वो इधर उधर देखने लगती है और उसको बहुत बुरा लग रहा था, वो बेबी तो कंटेस्टली बोले जा रहा था मुझे आपके साथ रहना है, क्या आप मुझे प्यार नहीं करते हो क्या, बोल के वो तो इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। सीरियसली जियान याओ के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो गया था, और यहाँ पर याओ को तो ये समझ में आ नहीं रहा था कि इस प्यारे से बच्चे का दिल कैसे तोड़े, मतलब वो उसकी मम्मी तो थी नहीं और वो उसे कंटेस्टली मम्मी बोले जा रहा था और उनको बोल रहा था कि मुझे आपके साथ रहना है, और याओ उसे बोलते कि कोई बात नहीं, वो सोचती है वो उसे
उसे लू तक पहुंचाएगी, लेकिन बाद में वो देखती है लू तो उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पर आ गया था। लू बोलता है कि इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है कि बार बार तुम ही मेरे बेटे के साथ होती हो। और इसके बाद जियान को आने के लिए बोलता है और या बोलते हैं बेटा आपके पापा आ गए जाओ, लेकिन वो उसके पीछे छुप रहा होता है। और इसके बाद जो लू था उसे तो ऐसा लग रहा था कि इस बंदे ने मेरे बेटे को किडनैप किया है, और वो बोलता भी है। ये सुनने के बाद यह बोलते कि मिस्टर लू आप ना कुछ ज़्यादा ही गलतफहमी भी नहीं है, ऐसे आपकी जो भी है वाइफ है या फिर जो भी है वो आपके बेटे के साथ कैसे बिहेव करती है वो तो आपने देखा नहीं होगा, और आपका बेटा बार बार ऐसे घर से भाग जाता है, इट मीन कि आपकी पेरेंटिंग सही नहीं है और आप मुझ पर ब्लेम लगा रहे हो कि किडनैपिंग की है मैंने, ऐसा वो बोलते वहाँ से निकलती है। ये बोलते हैं कि आप अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखा करो, वो निकल रही होती है और जियान भी उसके पीछे पीछे जाने वाला होता है। लू उसे रोकता है और जो जियान था वो बोला था कि मुझे अपनी मम्मी के साथ रहना है। ये सुनने के बाद जो लू होता है वो बोलता है कि वो आपकी मम्मी नहीं है बेबी, आपकी मम्मी घर पर है। ये सुनने के बाद जो हमारी याव थी वो सोचती है कि ये बच्चा मुझसे कुछ ज़्यादा अटैच हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, और वो अपने काम के लिए वहाँ से निकलती है। याओ अभी कंपनी में तो सेलेक्ट होने वाली थी और फाइनल उसका प्रेसिडेंट के साथ मीटअप था, इसीलिए उसे भेजा जाता है। जब वो प्रेसिडेंट के पास जाती है तो उल्लू को देख के शॉक में आती है और वो बोलती कि तुम यहाँ पर, और तभी जो उल्लू था वो बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। याओ घबरा जाती है और उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, एक बात बताओ तुमने ऐसा क्या कर दिया जब मेरा बेटा बार बार तुम्हारा ही नाम ले रहा है। तभी जो हमारी याओ थी वो बोल रही थी कि मैंने क्या किया, तभी उसके आगे है याओ पीछे पीछे जा रही होती है, वो चेयर में बैठ जाती है, वो उसके बहुत करीब आता है और वो सोचता है कि ये स्मेल ये एहसास को जाना पहचाना सा है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है मैं इसे मिल चुका हूँ, ऐसा वो सोचता है। और उसके बाद वो अपने आप को रोकते बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ एक काम है। ये सुनने के बाद याओ बोलती कि क्या, और वो बोलती कि मैं तो यहाँ के प्रेसिडेंट से मिलने आई थी। ये सुनने के बाद लू बोलता है कि मैं हूँ यहाँ का प्रेसिडेंट, और उसके बाद जो लू था वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। सुनने के बाद याओ बोलते कैसे हेल्प है, सुनने के बाद जो लू था वो बोलता है कि तुम मेरे बेटे की पर्सनल नैनी बनो। ये सुनने के बाद लू की बात है सुनने के बाद याओ बोलती कि क्या, और उसके बाद वो बोलते कि आपका दिमाग खराब हो गया है। वो बोलता है मेरा बेटा 8 साल का हो गया है लेकिन वो किसी के साथ इतना पर्सनली अटैच है नहीं, इवन वो बस मेरे साथ बातें करता है और वो भी इतना ज़्यादा अटैच नहीं, मैं पहली बार देख रहा हूँ, तुम्हारे लिए उसकी आंखों में अलग सा चमक है, वो तुमसे कुछ ज़्यादा अटैच हो गया और तुम्हें ना वो गलती से ही सही लेकिन वो बहुत स्पेशल मानने लगा है, तो मेरे पास बहुत अच्छा ऑफर है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा लेकिन इन रिटर्न तुम्हें मेरे बेबी की मेरे बच्चे का नानी बनना पड़ेगा। सुनने के बाद जो लू था उसे ऐसे दिखती है या और वो बोलते कि मिस्टर लू मुझे लगता है आपको ना कोई गलत फहमी हुई है, सबसे बड़ी बात तो मैं किसी की नानी बनने तो यहाँ पर आई नहीं हूँ, और दूसरी बात अगर आपकी बेबी को कोई बीमारी है तो वो डॉक्टर के पास जाइए ना, उसके लिए एक नानी की रूल नहीं है, और आप ये जो भी बोल रहे हैं ना वो सब करने की जिम्मेदारी उसकी बायोलॉजिकल मदर की है, उससे बुलाइए। सुनने के बाद लू उसे ऐसे बोलने वाला था कि उसकी जो मॉम है, तभी वहाँ पर आती है या फिर स्टेप सिस्टर, इसका नाम है मियान, और वो बोलती है तो क्योंकि वो इन दोनों को साथ में देखे तो शौक में आती है और वो मनी मनी सोचती है कि ये वापस कैसे आ सकती है, वो उसके पास जाती है और मियान बोलती है कि तुम जिंदा कैसे हो सकती है, वो उसे तमाचा लगाने वाली थी या उसे रोकती है, और उसके बाद जो मियान थी वो बोल रही थी कि तुम वापस कैसे आ सकती हो। सुनने के बाद जो याओ थी वो बोल रही थी कि क्यों तुम तो बहुत डिसअपॉइंट हुई होगी ना मुझे जिंदा देख के, लेकिन तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आई हूँ, मेरे अपने कुछ काम है। सुनने के बाद जो थी वो बोल रही थी लोगों कि ये बहुत गंदी लड़की है, ऐसे मेरी सिस्टर है कहने के लिए तो, लेकिन ये ना मैं ऐसे बहुत अमीर मैन को सीरियस किया करती थी और कुछ सालों पहले प्रेग्नेंट हो गई थी जिसके वजह से हमारे फैमिली वालों की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई थी और पापा ने इसे घर से निकाल दिया था, पता नहीं अब ये वापस क्यों आई है, आपको इससे ना थोड़ा दूर ही रहना होगा, ऐसा वो बोल रही होती है। और लू उसे देखने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, असल में इन दोनों की शादी की बात हुई थी और जो बेबी था उसने ये बोल दिया था कि ये उसका बेबी है, तो इनडायरेक्टली इसकी फैंसी थी। और याओ बोलते कि वाओ
तब तो मुबारक को, और उसके बाद वो बोलते कि डोंट वरी तुम दोनों ग्रीस में नहीं आने वाली क्योंकि मेरे खुद के पंगे हैं और आज के रात में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, ऐसे बोल के वहाँ से निकलती है। और जो मियाँ थी वो लू से बोले होती कि आपको इससे दूर ही रहना पड़ेगा, ये बहुत बुरी लड़की है, इसकी वजह से हमारे फैमिली की जो बेइज्जती हुई है, जो बदनाम हुई है, इसकी तो मैं बात ही नहीं कर सकती। प्लीज आप अपने ध्यान रखा कीजिए और प्लीज़ ना हम जल्दी इंगेजमेंट कर लेते हैं ना, अब जल्दी शादी भी करना पड़ेगा, ऐसे भी बच्चा तो बड़ा हो रहा है, ऐसा वो बोले होती है। ये सुनने के बाद लू ना कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड लग नहीं रहा था, वो बस ये बोलता है कि तुम इस तरह से मेरे ऑफिस में बार बार आया मत करो, वो भी मेरे परमिशन के बगैर, ऐसा बोलता है और उसके बाद वो वहाँ से निकलता है। और ये देखने के बाद मियान और भी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही थी क्योंकि वो लू से कुछ अच्छा सुनने आती थी जो लू तो कभी उससे बोलने से रहा। अब याओ ने लू का प्रपोजल तो मुंह पे मना कर दिया था, इसीलिए उसके अपार्टमेंट के नीचे चला जाता है और उसके बाद उसका वेट कर रहा था। और वो देखता है वो तो जून के साथ ही, और उसके असिस्टेंट बोल रहा था कि सर क्या आप चाहते हो मैं इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में इन्वेस्टिगेट करूँ। ये सुनने के बाद लू बोलता है कि नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं, अभी घर वापस चलो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब हमारा इंटेलिजेंस है जियान, ऐसे पापा से कहने से तो कुछ हुआ नहीं, इसीलिए पापा के पास जाता है यानी कि ग्रैंडपा के पास। वो अपना एक फॉर्म देके बोलता है कि ग्रैंडपा मुझे इस स्कूल पे ट्रांसफ़र करवाइए। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसा क्यों बेटा। ये सुनने के बाद जो ये था वो बोलता है कि ग्रैंडपा इस स्कूल में मेरी एक फ्रेंड है और वो बहुत अच्छी है। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलते कि फ्रेंड मतलब, तभी वो बोलता है मेरी सिस्टर है और वो बहुत अच्छी है और वहाँ पर मेरी मम्मी भी है। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलते कि पर बेटा आपकी मम्मी तो घर पर है। मियान ये बोलने के बाद, ये सुनने के बाद बेचारा बच्चे का तो मुँह ही उतरता है और ग्रैंडपा समझते हैं, बोलते कि अच्छा अच्छा बताओ क्या बात है, ऐसा क्या सीक्रेट है जो आप इस स्कूल में जाना चाहते हो। तभी जियान बड़े प्यार से बोलता है कि ग्रैंडपा प्लीज़ मुझे इस स्कूल में जाना है, मैं देर सारा पढ़ाई करूँगा। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलते कि कोई बात नहीं। और इसके बाद वहाँ पर लू आता है, लू बोलता है क्या बात कर रहे हो आप दोनों। तभी ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसे तुम्हारा बेटा कुछ ज़्यादा स्मार्ट हो गया, अभी ये स्कूल में ट्रांसफ़र होने के लिए बोल रहा है, तो क्यों ना हम एक करवाए। ये सुनने के बाद लू बोलता है कि पर ग्रैंडपा को कि पर डैड आपको पता है हम उस स्कूल में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते, ये बहुत अच्छा स्कूल है जहाँ पर अभी फिलहाल पढ़ रहा है। ये सुनने के बाद ग्रैंडपा बोलते कि कोई बात नहीं, अगर मेरा ग्रैंडसन कुछ चाहता है, ग्रैंड चाइल्ड कुछ चाहता है तो मैं क्यों मना करूँगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। ये सुनने के बाद लू बोला था पर सुनिए ना पापा, यहाँ पर कुछ अच्छी पढ़ाई होती नहीं है। ये सुनने के बाद जो पापा होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि तो हम एक काम करेंगे, वहाँ पर नया बिल्डिंग बना देंगे। और इसके बाद वो बोलता है कि वहाँ के टीचर भी अच्छे नहीं है। ये सुनने के बाद जो पापा होते हैं वो बोल रहे थे कि तो हम वहाँ पर नए टीचर भी भेज देंगे, बेस्ट से बेस्ट टीचर भेजेंगे। ये सुनने के बाद लू बोलता है कि पर पापा आप ना इसको इतना स्पेल मत करो। तभी पापा बोल रहे होते कि ये मेरा अकलौता ग्रैंडसन है तो मैं क्यों स्पेल ना करूँ, अगर ये कुछ चाहता है जहाँ पर ये खुश रहता है तो मैं उस चीज़ के लिए कुछ भी करूँगा, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। और लू समझता है चलो कोई बात नहीं, अब पापा से तो कोई लड़ नहीं सकता। सो वो अपने बेटे को बुलाता है, बोलता है कि एक बार बता बेटा आप इस स्कूल में क्यों जाना चाहते हो, ऐसा क्या बात है। ये सुनने के बाद जो हमारा बंदा था जिया ना वो बोलता है कि पापा वो टॉप सेक्रेट है, आपको नहीं बता सकता। और वो उसे बोल रहा था कि पर आप पापा के साथ कब से सीक्रेट रखने लगे। ये सुनने के बाद जो हमारा जियान था वो बोलता है कि पापा मुझे नींद आ रही है, बोल के वो तो ऐसे बातों को टाल के वहाँ से निकल जाता है। और लू मन ही मन में सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो ये औरत यानी कि याओ मेरे बेटे को इतना ज़्यादा हैम्पर कर रही है, और उसकी बेटी और उस वो औरत ऐसा वो सोच रहा होता है। और हमें ये दिखाया जाता है रात को जो जियान था वो अपने पापा के फ़ोन को इस्तेमाल करके मैसेज भेज देता है कि मैं उस स्कूल में ट्रांसफ़र होने वाला हूँ, हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सुनने के बाद जो लू था वो वहाँ पर आता है, वो फ़ोन को देखता है, ऑन था फ़ोन, और वो सोचता है कि यह छोटा सा बच्चा मेरे फ़ोन के साथ क्या कर रहा था। और वो फ़ोन जिस कांटेक्ट में लास्ट टाइम बार डायल किया गया था वहाँ पर कांटेक्ट लगाता है, कॉल लगाता है ताकि बात हो पाए कि किसके साथ बात हो रहा था। और ऐसे ही ज़रूरी भी है कि उसका बच्चा क्या क्या कर रहा है एक बाप जाने। तो जब वो कॉल लगाता है तो वहाँ पर तो टैंग टैंग थी, और वो बोलती है कि मैं टैंग टैंग हूँ, आप कौन हो। और तभी जब वो अपना नाम बताता है तो वो बोलती है कि अरे आप तो पापा हो, आप कैसे हो, बोल के वो बात करने लगती है। और लू सोचता है कि मेरा बेटा इतना ज़्यादा अटैच क्यों हो रहा है ऐसे नए लोगों के साथ, ऐसे इतने सालों से तो इतना गुमसुम सा रहा करता था, ऐसा सोच के
वो खुद ही कन्फ्यूज हो रहा था और वो उसे बोलता है कि आप अपना ख्याल रखा करो। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो या होती है वो आती है और वो बोलती है कि आप किसके साथ बात कर। ये सुनने के बाद टैंक टैंक बोलते कि पापा के साथ। ये सुनने के बाद याओ उसे बोलते कि बेटा मैंने कितनी बार बोला है आप किसी रैंडम इंसान को पापा नहीं बोल सकते, ये गलत बात है। ये सुनने के बाद वो बोले होती कि पर वो मेरे पापा क्यों नहीं है। ये सुनने के बाद याओ बोलते कि क्योंकि उनके पास ऑलरेडी उनकी वाइफ है, उनका बेटा है, अगर आप उनको पापा बोलोगे तो वो गलत है। ये सुनने के बाद वो बोलते कि इसका मतलब मम्मा अब तक हमें हमारा पापा नहीं मिले ना। तभी याओ बोलते कि नहीं बेटा अब तक नहीं मिले, लेकिन जल्दी मैं आपके पापा के बारे में पता लगाऊँ और आपके असली पापा तक आपको ले जाऊंगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वो उसे सोने के लिए बोलती है और माँ बेटी वहाँ पर बात करते करते सो जाते हैं। अगले दिन स्कूल पे टैंक टैंक को याओ ले आती है, तभी वो देखती है वहाँ पर तो लू भी था। और उसके बाद लू उसे देखता है, तभी टैंक टैंक उसे पापा बोलती है। पापा सुनने के बाद याओ उसकी तरफ देखती है लू की तरफ और वो अपने बेबी का देखती है, बोलती कि मैंने कितनी बार बोला है बेबी आप किसी रैंडम इंसान को पापा नहीं बोल सकती। ये सुनने के बाद याओ को उसकी बेटी टैंक टैंक बोल रही होती कि पर मम्मा ये मेरे पापा आए, देखो कितने गुड लुकिंग है, कितने हैंडसम है, आई एम श्योर ये मेरे पापा है। ये सुनने के बाद जो याओ थी बड़ी एम्बैरस फील कर रही थी और वो बोल रही थी कि बेबी इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं और कुछ ना कुछ किसी के साथ मैच होता है, इट डजंट मीन आप सबको ऐसे रिश्तेदार तो जोड़ते जाओगे तो प्रॉब्लम होगा ना, मम्मा को ऐसा नहीं करते। और उसके बाद वो उसे बोलते कि आप क्लास के लिए निकल जाओ और वो चली जाती है। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जो याओ थी वो जाने वाली होती है, लू उसे रोकता है और बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। याओ बोलती है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। वो जाने वाली होती है, लू बोला था तुम कार पे जाओ मुझे तुमसे बात करनी है, वो मना करती है। इस बात की वजह से लू उसे ऐसे उठा के गाड़ी में ले जाता है। जो याओ थी उसे बोल रही थी कि ये क्या बदतमीज है मिस्टर लू, तभी वो बोला था कि देखो मैंने बोला हुआ है मुझे तुमसे बात करनी है। सुनने के बाद याओ बोलती कि देखो अगर आप चाहते हो कि मैं आपके बेटे की पर्सनल नानी बनूँ तो ऐसा कुछ होगा नहीं, प्लीज़ ऐसे हरकतें करना बंद कीजिए, बोल के वो गाड़ी से निकलती है। और तभी लू उसके पर्स से एक कार निकालता है जहाँ पर 10 मिलियन था और वो बोलता है कि ये लो पैसे 10 मिलियन। ये सुनने के बाद याओ बोलती कि आप मुझे खरीदने की ट्राई कर रही हो, मुझे लगता है ना आप कुछ ज़्यादा ही सीईओ वाले ड्रामे देखते हो जहाँ पर एक बहुत रिच सीईओ हैंडसम सा सीईओ आएगा पैसे फेंकेगा और फैमिली ऐसे मान जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं मुझे परेशान करना बंद कीजिए। ये सुनने के बाद लू था वो बोलता है कि तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे बच्चे की नानी बनो पर्सनल नानी या फिर तुम इस शहर को छोड़ के जाओ, इस दोनों के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन मैं देने वाला हूँ नहीं, क्योंकि मैंने चाहता कोई स्ट्रेंजर वुमेन के साथ मेरा बेटा इतना अटैच हो जाए जो ऑलरेडी हो चुका है और अब मैं अपने बेटे का दिल तोड़ना नहीं चाहता, या तो मेरे बेटे की नानी बनो या फिर तुम इस शहर को छोड़ के चले जाओ। या बोलते कि वो आपकी प्रॉब्लम है मेरी नहीं, कि आप अपने बच्चे को अच्छे से रख नहीं पा रहे हो तो उसके लिए कोई और सोल्यूशन ढूंढो, मैं खरीदने ऐसे बिकने वाली नहीं हूँ, बोल के वो वहाँ से जाने वाली होती है। उसका पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली थी लू से पकड़ता है और उसके बाद दोनों का एक दूसरे के साथ ऐसे आईलग होता है। और उसके बाद लू वो पुराना मोमेंट याद कर रहा था, याओ भी पुराना मोमेंट याद कर रही थी और दोनों अपने मन में यही सोच रही थी कि ये भी बहुत फैमिलियर है, ऐसा लग रहा है 5 साल पहले जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड किया है ये वही बंदा है, वही खुशबू है, वही एहसास है, ऐसा वो बोले होते हैं लेकिन मुझसे बोलते नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है याओ अपने फ्रेंड जून के साथ इसके बारे में बात कर रही थी। जून बोलता है वो तो बड़ा पागल आदमी है, ऐसा कोई अफोर्ड देता है वो भी एक लड़की को। ये सुनने के बाद याओ सोच रही थी कि हे भगवान मैं वापस चाइना क्यों आई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। जून बोलता है कि ऐसा तुम्हें पता है उसका जो बच्चा है लेकिन वो शादीशुदा नहीं है। ये सुनने के बाद याओ को ऐसा फील होता है कि वो बहुत बड़ा इरेस्पॉन्सिबल बनता है, क्योंकि उसका बेटा तो बहुत बड़ा था और उसे ऐसा लगा था कि उसने रैंडमली किसी को प्रेगनेंट कर दिया होगा, बाद में उसे जब पता चला उसकी सिस्टर है उसका तो और ज़्यादा मूड ख़राब होता है। और उसके बाद वो बोल रही थी कि मुझे कुछ ना कुछ करके स्किप तो करना ही पड़ेगा, तभी उसे कॉल आता है कि उसका जो बेबी 8 साल पहले मरा था उसके बारे में कुछ बताना है। और वो चली जाती है कॉफ़ी शॉप पे जहाँ पर मियान होती है, मियान उसे बोलती है कि अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बच्चे को मैंने कहाँ पर गाड़ा हुआ है वो पता चले तो तुम मेरे साथ माननी पड़ेगी। सुनी हुआ तो उसे बोलती कि क्या सर, तो वो बोलती कि तुम्हें इस शहर को छोड़ के जाना पड़ेगा। तभी या बोलती कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो, तभी मियान बोलती कि मेरा खुद का बेटा जो मेरा आलू के प्यार का निशान ही है लेकिन वो तुम्हें माँ बोला है मेरे लिए बहुत इंबैरसिंग बात है, तो इसलिए
तुम्हें इस शहर को छोड़ कर जाना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ बोलते कि ठीक है मुझे बताओ मेरे बच्चे को तुमने कहाँ पर गड़ा हुआ है। और उसके बाद वो उसे एड्रेस देती है और वो अकेले निकलती है। लू को उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है कि हमें फ्रेंसी ने एक बंदी को हिट किया हुआ है। और वो याओ ये सुनने के बाद वो भी वहाँ के लिए निकलता है और हमें याओ को दिखाया जाता है। याओ उस जगह पे होती है जहाँ पर उसके बच्चे को गाड़ा गया है, ये सब बोला गया था, ऐसे बेसिकली नहीं गाड़ा गया था। तो वो ऐसे बोल रहे थे कि आई एम सो सॉरी बेबी, इतने सालों से मैं आपको मिलने नहीं आई, ऐसा बोल के वो सैड हो गए। वहाँ पर बैठी हुई थी लू, वहाँ पर आता है और वो बोलता है कि क्या बात है, तुम ऐसे व्हाइट ड्रेस में यहाँ पर बैठी हुई हो और दिखने में भी बहुत ही लग रही हो और ग्रे बैड पे। ये सुनने के बाद याओ बोलते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर लू, आप यहाँ पर आ पहुँचे, आप मुझे भूत बोल रहे हो, लेकिन आप ऐसे कोई भड़कती हुई आत्मा की तरह हर जगह जहाँ पर मैं होती हूँ आ पहुँचती हो। ऐसे सुनने के बाद लू बोलता है मैंने इंटरनेट पे उड़ती उड़ती खबर सुना हुआ था कि मेरी फियांसी ने तुम्हें मारा हुआ है, तो मैं देखने आया था तुम सही सलामत हो या नहीं। पता चला कल को कि तुमने कोई बड़ा केस कर दिया या फिर कोई बहुत बड़ा अमाउंट डिमांड कर दिया, तो उस केस पे मुझे पता तो होना चाहिए ना कि तुम्हें ज़्यादा चोट लगी नहीं थी और तुम यहाँ पर तो रिलैक्स कर रही हो, ऐसा वो बोलता है। सुनने की बात यहाँ बोलते कि हाँ ठीक है आपकी फियांसी सही सलामत है, तो प्लीज़ यहाँ से जाइए ना, मुझे पकाइए मत। ये सुनने के बाद लू बोलता है कि ये कौन सी जगह है, मतलब ये अगली बार किसकी है। तभी या उसे बोलते कि मिस्टर लू इनसे मिले है मेरा बेटा। ये सुनने के बाद जो लू था वो बोलता कि तुम्हारा बेटा भी है। ये सुनने के बाद या वो बोलते कि अगर वो जिंदा होता तो आज मेरी बेटी की एज का ही होता, कुछ साल पहले मैंने ट्विंस बेबी को जन्म दिया था लेकिन एक बच्चा तो नहीं रह पाया और वो आज यहाँ पर। ये सुनने के बाद जो लू था वो बोलता है कि इसका मतलब अगर तुम्हारा बच्चा उस टाइम पे जिंदा होता तो आज जीवन जितना ही होता, तो तुम यही सोच के मेरी बेटी की नैनी नहीं बन सकती। ये सुनने के बाद जो लू था वो उसको देखते हुए या वो बोलती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपका बेटा प्यार दिया करता है, लव और एफेक्शन लैक करता है, तो उस केस पे वो सब उसकी मॉम को फुलफिल करना चाहिए, आप बाहर की लड़की को ये सब करने के लिए क्यों बोल रहे हो। तभी जो लू था वो बोलता है कि क्योंकि तुम्हारे साथ वो बहुत अटैच हो रहा है, मेरा बेटा नॉर्मली किसी के साथ इतना ओपन नहीं होता, इतना अटैच नहीं होता जो तुम्हारे साथ हो रहा है, तो मेरी मजबूरी हो कि तुम्हें मुझे अपने बेटे की केयर टेकिंग के लिए ले जाना पड़ रहा है। ये सुनने के बाद यह उसे बोलती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, प्लीज़ आप अपनी जिद को पीछे रखिए, मुझे ये सब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरे अपने खुद के पंगे, ऐसा वो बोल रही होती है। या बोलती है कि आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप सोच को सुन नहीं सकते, मुझे लगता है आपके पास इतना सारा पैसा है ना, आपके अंदर एक घमंड आ गया है कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, प्लीज़ मुझे छोड़िए, मैं आपकी मेथी की नैनी नहीं बन सकती, बोल के वो जाने वाली होती है। तभी लू बोलता है कि आर यू श्योर तुम नहीं बनने वाली, और बोलती है नहीं। तभी वो बोलता है कि उधर देखो, तभी जब वो इसे पीछे मुड़ने वाले होते तो उसे फिर से उठा के वो सीधा गाड़ी में ले आता है और सीट बेल्ट लगा के उसे अपने बच्चे के स्कूल पे ले जाता है जहाँ पर जियाना टैंग दोनों होते हैं। दोनों साथ में अपने मम्मी और डैडी को देखने के बाद बहुत खुश। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो टैंग होती है वो बोलती है कि आप पापा के साथ आए मम्मा। ये सुनने के बाद या फिर से एम्बैरेस हो, अपनी बेटी को देखते हुए बोलती कि बेबी मैंने कितनी बार बोला है किसी रैंडम इंसान को पापा नहीं बोलते जस्ट बिकॉज कि वो हैंडसम है। ये सुनने के बाद टैंग बोलती कि मैं गलत नहीं हूँ, ये मेरे पापा है मम्मा, आप एक दिन जरूर मानोगे, बोलती है। ये सुनने के बाद जो क्या थी वो तो बड़ी एम्बैरेस थी। और उसके बाद जो हमारा जिया ने वो बोलता है कि मम्मी आप मेरे साथ रहने वाली हो, मुझे लेने आई। और तभी या उसे बोलती कि बेबी आप मुझे मम्मी मत बोलो, मैं आपकी मम्मी नहीं हूँ, आपकी मम्मी तो कोई और है ना। तभी वो बोल रहा था कि वो मेरी मम्मी नहीं है, आप मेरी मम्मी हो। और उसके बाद वो बोलती कि बेटा आप बाय हम जा रहे, और टैंग को बोलती कि आप अपने फ्रेंड को बाय बोलो, और टैंग बाय बोलने वाले होते हैं। तभी जो जियान होता है वो बोलता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊँगा, मुझे के साथ रहना है। ये सुनने के बाद जो या थी वो बोलती कि बेटा ऐसा नहीं करते, उससे पहले आपको आपके पापा से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा वो बोलती है। ये एक्सपेक्ट करती हुई कि जो लू था वो मना करेगा, लेकिन जब जियान वो अपने पापा को बोलता है कि क्या मैं मम्मी के साथ रह सकता हूँ, ये बोलने के ये सुनने के बाद तो लू बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं। ये सुनने के बाद जो याव थी वो तो सब में वो बोलती कि आप कैसे इंसान हो, आप अपने बच्चे को किसी स्ट्रेंजर के साथ भेज रहे हो, आपको शर्म नहीं आती, थोड़े मैनर्स नहीं है, ऐसा वो बोल रही होती है। सुनने के बाद
जो लूथा वो बोलता है कि जहाँ तक मेरा बेटा खुश होता है ना जिस चीज़ पर, मैं उस चीज़ के लिए उसे कभी मना नहीं करता और मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम मेरे बेटे को ले जा सकती हो और इसे बहुत अच्छे से रखना, ऐसा वो बोलता है। ये सुनने के बाद याओ तो बड़े गुस्से में आती है, वो बोलती है कि आपकी वाइफ क्या सोचेगी। ये सुनने के बाद जो लूथा वो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपने बेटे की खुशी से बड़ी है, ऐसा वो बोलता है और वहाँ से चला जाता है। और जो याओ थी वो तो फंस जाती है, और जो जियान था वो बोला था कि मम्मी मैं भी तो आपका बेटा हूँ ना, मैं भी छोटा सा बेबी हूँ, आप मुझे प्यार नहीं करते हो क्या, टैंग टैंग की तरह। वो उसे देखती है और बोलती है कि बेटा आपकी मम्मी मैं नहीं हूँ, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, आपकी मम्मी तो मियाँ ने, और आपको उनसे प्यार करना चाहिए, मुझसे नहीं। ये सुनने के बाद जो जियान था वो बोलता है कि वो मेरी मम्मी नहीं है, वो मुझे मारती है, वो मुझे बहुत ज़्यादा पीटती है और उन्होंने कभी मुझे प्यार नहीं किया। ये सुनने के बाद यह बहुत इमोशनल होती है और बोलती कि क्या सच्ची में, वो बोलता है हाँ मम्मी वो मुझे बहुत मारती है, वो बैड वुमन है, वो मेरी मम्मी हो नहीं सकती। और ये सुनने के बाद यह को बहुत बुरा लगा, वो उसे गले लगाती है और अपने मन में सोच रही थी कि पता नहीं इस बच्चे की बात सुनने के बाद मेरे दिल पे बहुत अजीब सी बेचैनी और दर्द हो रही है, मुझे ऐसा फील नहीं करना, ऐसा वो सोच रही होती है। तो गाइज ये वाला पार्ट हमें यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई एम 100% श्योर आपको यहाँ तक तो बहुत मज़ा आया होगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं इस ड्रामे को ख़त्म करूँगी। और ड्रामा बहुत ज़्यादा प्यारा है और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आया, आई होप आप लोगों को भी ये ड्रामा पसंद आया होगा। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ड्रामा कैसा लगा, और आप लोग ये बताओ कि आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहते हो या नहीं। अगर चाहते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो कमेंट सेक्शन में ढेर सारा कमेंट दिखाओ ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट होके इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। और जब याओ को कब पता चलेगा कि जियान उसका असली बेटा है, और ये भी हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यू आर वंडरफुल ऑडियंस टू मी, थैंक यू सो मच।